अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपसे फ्रंट शॉक की ऊपर वाली कैप गुम हो जाती है या कहीं गिर जाती है तो आप उसको किस तरह कवर कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है ताकि वो जो बेयरिंग होता है फ्रंट शॉक का अंदर बॉनेट की तरफ डेवरेसर में, उससे ग्रीस बाहर ना निकले, उसके लिए एक कैप आती है, कैप को लगाया जाता है ऊपर शॉक के ऊपर और बेयरिंग भी नज़र नहीं आता, जिससे कि ग्रीस भी बाहर नहीं निकलती। अगर वो कैप गुम जाए तो आप उसको किस तरह सील कर सकते हैं, यानी कैप की जगह आप को किस तरह ढक सकते हैं या सील कर सकते हैं, वो तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कि आप बगैर कैप के बैरिंग को, जो फ्रंट शॉक का बैरिंग होता है ऊपर बॉनेट के अंदर डेवरेसर में, उसको किस तरह आप कवर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि सिंपल सा ये कोई भी प्लास्टिक ले लेना, प्लास्टिक बैग ये मैंने काटा हुआ है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पर इस तरह रखूँगा और इसके इर्द गिर्द ये मैं टेप लगा दूँगा। ये आप टेप देख सकते हैं, ये वाली टेप ये मैं इस पर लगाऊँगा। अभी हम इसके साइज़ के इसको काट लेते हैं, इससे छोटा बड़ा भी हो जाए कोई मसला नहीं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं गोलाई में काट रहा हूँ, ये देखें, ये जो शापर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ आना चाहिए इसके अंदर अंदर, इसे बाहर ना निकले वरना इतना बुरा लगेगा। ये अगर आपके पास कैप ना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, ये अब सही हो गया है, इसको मैंने यहाँ रख दिया और अब मैं ये टेप इस पर लगाऊंगा। पहले आप थोड़ी सी यूँ लगा लें ताकि ये टाइट हो जाए, उसके बाद इसको अच्छी तरह कवर कर दें। ये मैं इसकी मज़बूती के लिए इस पर लगा रहा हूँ ताकि अगर इस पर पानी वगैरह गिरे बारिश का तो ये सर्वाइव करे, जल्दी ख़राब ना हो।
ये आप देख सकते हैं, ये और भी मैं इस पर अब लगा रहा हूँ ताकि अच्छी खासी मजबूत हो जाए। अब ये काफ़ी मजबूत हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। एक इसके हम इस तरफ लगाएंगे, दोस्तों इससे अगली वीडियो जो है मैं अभी ब्रेक ऑयल पर बनाऊंगा। अभी मैंने इसमें ब्रेक ऑयल डाला है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ब्रेक ऑयल इसका चेक किस तरह कर सकते हैं। अभी मैं अपने मोबाइल को ट्राइपॉड से हटाता हूं और आपको दिखाता हूं कि अब ये देखने में कैसा लग रहा है। इसको मैंने अच्छी तरह प्रॉपर सील कर दिया है, अब इसमें से ग्रीस नहीं निकलेगी। ये देखें आप इसका, इसको मैंने अच्छी तरह चारों तरफ से सील कर दिया है। इस पर कैप नहीं थी और ये वाला जो है इस पर ऑलरेडी कैप है, ये आप देख सकते हैं इस पर एक कैप लगी हुई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।